बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं BA/BSc के तलबा और तालबात से मुखातिब हूँ। आज हम पढ़ेंगे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताला की ज़रूरत और अहमियत, कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला क्यों ज़रूरी है। इससे पहले हम यह समझेंगे कि सीरत का माना क्या है और मफहूम क्या है। सीरत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। सीरत के माना चाल चलन, आदत, खसलत, तर्ज ज़िंदगी, रविश, कोई रविश इख्तियार करना वगैरह के हैं। और ये लफ्ज़ सीरत जो है ये कुरान मजीद में भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। चुनाचे कुरान मजीद में है, सनुईदुहा सीरतहल उला, हम अभी इसे उसकी पहली हालत पर लौटा देंगे देते हैं, जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया गया वहाँ पर कि आप लाठी फेंके फिर वो सांप बनी, खुजहा वला तखफ़, आप इसको पकड़िए, हम इसको पहली, यानी मुराद यहाँ पे खसलत और हालत जो है, पहली हालत जो है ये वो मुराद है, जो पहली इसकी शक्ल व सूरत है, पहली जो हालत है उस पर हम इसको लुटा दें कि ये लाठी बन जाएगी। सीरत का लफ्ज़ जो है ये बड़ी बड़ी नामवर शख्सियात के बजाय नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवानी हालात और तर्ज़ ज़िंदगी के बयान के लिए मखसूस किया गया। इसका जो इस्तलाही माना इस्लाम में है, इस्लाम के अंदर इसका माना ये है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यिबा और इससे मुतालिक उमूर का बयान जिसमें हो उसको सीरत कहेंगे। मुताला सीरत की ज़रूरत व अहमियत। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला नहायत ज़रूरी और इंतहाई अहमियत का हामिल है। दुनिया की किसी भी दूसरी शख्सियत की सीरत का मुताला इस कदर अहम और ज़रूरी नहीं जिस कदर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला ज़रूरी और अहम है। दरज़ैल नकात जो आपको बोर्ड पे नज़र आ रहे हैं, इन नकात को पेशे नज़र रखते हुए आप देखेंगे तो आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताले की अहमियत का अंदाज़ा होगा। पहली आप हेडिंग देख रहे हैं बोर्ड पर, जामियत व हमगीरियत। जामियत व हमगीरियत, क्या हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शख्सियत ही ऐसी वाहिद शख्सियत है जो हर तबका के लिए एक बेहतरीन नमूना अमल है। ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी और रहनुमाई मौजूद ना हो। शोहर हो या वालिद, मुंतज़िम हो या मुसन्निफ़, सिपा सलार हो या सरबरा, हर एक के लिए बयक वक्त बेहतरीन आइडियल होना ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत है। जो जुमला हादियान आलम में से आपके अलावा किसी को भी मुयस्सर नहीं। तमाम दीगर अम्बिया रहनुमायान इंसानियत में अलग अलग जो औसाफ़ हैं वो सब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के अंदर मुज्तमे हैं। शायर ने कहा ना, हुस्न यूसुफ, हुस्न यूसुफ़ दम ईसा यद बैज़ा दारी, आँच खूबा हमा दारन तू तन्हा दारी, के तमाम औसाफ़ जो अम्बिया में थे अल्लाह ने सारे के सारे अम्बिया आपके अंदर जमा कर दिए। इसलिए जो ऐसी जामे शख्सियत है उसकी सीरत का मुताला करना ज़रूरी है जिसमें हर एक के लिए एक मुकम्मल तौर पे रहनुमाई हो। बेहतरीन अमरी नमूना,
हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में सबसे बेहतरीन अमली नमूना मिलता है। दुनिया के बड़े बड़े मुफक्किर फलासफर अमल से आरी नज़र आते हैं, लिहाजा इनकी सीरत का सीरत सरवर दो आलम से तकाबुल तो है ला यानी कोई तकाबुल नहीं। अम्बिया इकराम जो आपने कहे पर अमल करके दिखाने वाली गैर मामूली शख्सियात हैं, उनमें से भी किसी की सीरत अमलियत के एतबार से आपकी सीरत के हम पल्ला नहीं है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा को बेहतरीन उस्वा कहा और चुनाचे इरशाद फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना अमल है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पर आपने वाज़ो नसीहत फरमाई वहाँ पर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल के मैदान में भी सफ़े अव्वल में खड़े हैं, सबसे आगे बल्कि खड़े हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की अगर भूख और प्यास की हालत है, उन्होंने अगर अपने पेट पर एक पत्थर बांध रखा है, तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पर दो पत्थर बांध रखे हैं। अगर सहाबा इकराम किसी काम के अंदर मसरूफ़ हैं, एक सफ़र पर निकले और एक बकरी आपके साथ थी, एक जगह पड़ाव डाला, तो एक सहाबी कहने लगे अलैय ज़िबहुहा, मैं इसको ज़िबा करूँगा। दूसरे ने कहा अलैय तबहुहा, मैं इसको पकाऊँगा। एक ने कहा अलैय सलखुहा, मैं इसकी खाल उतारूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैय जमउल हतब, मैं लकड़ियाँ इकट्ठी करूँगा। सहाबा इकराम ने कहा नहनु नकूमु इंदक हादल अमल, अल्लाह के रसूल हम आपकी तरफ से अमल करेंगे। तो आपने फरमाया नहीं, मैं भी ये पसंद करता हूँ कि अपने हाथ की मेहनत से खाऊं और अपने हाथ की मेहनत का इस्तेमाल करूं। तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल के मैदान में भी सहाबा से बहुत आगे आगे रहते थे, जिस बात का हुक्म देते थे। अगर आपके सहाबा ने जिस्म पर अपने पेट पर एक पत्थर बांधा, आपने दो पत्थर बांधे। तो इसलिए आपकी सीरत आपका अमल बेहतरीन अमल है, आपका उस्वा बेहतरीन उस्वा है। चुनांचे कुरान मजीद में फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला इसलिए भी ज़रूरी है कि आपकी सीरत महफूज और मुस्तनद है। आपकी तालीमात, आपकी सीरत का एक एक बाब सारे का सारा महफूज है। आप देखें किसी भी नबी का नसब नामा इस कदर महफूज नहीं जितना कि आपका महफूज है। किसी भी नबी के हालात ज़िंदगी इस कदर महफूज नहीं है जिस कदर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हैं। किसी भी नबी के बारे में उसकी सीरत के चंद पहलू किसी को याद हैं लेकिन, या किताबों में मौजूद हैं, लेकिन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आपकी ज़ात अक़दस ऐसी ज़ात है कि अल्लाह ने आपकी पैदाइश से पहले के हालात भी महफूज करवाए और महफूज हैं, आज तक दुनिया को मालूम है। और फिर आपकी विलादत के बाद आपकी रज़ात, किस किस ने आपको दूध पिलाया, फिर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन, फिर बचपन के साथ आपका लड़कपन, फिर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र, फिर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत, फिर आपकी अमानत और दयानत, फिर आपकी दावत और तबलीग, फिर आपकी हिजरत, फिर आपकी जिहाद, जिहाद के बाद आपका रियासत मदीना का क़याम, और फिर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी जो आमाल भी करवाए और किए, एक एक हालत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफूज है, इतनी डिटेल और इतनी तफसील के साथ किसी भी पैगंबर की भी सीरत महफूज नहीं है। इसीलिए आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला जो है
ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और आप पर उतरने वाली किताब वो भी महफूज, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, कि हमने आप पर वो ज़िक्र उतारा है, हम नहीं उतारा और हम खुद ही मुहाफिज हैं। फिर उस किताब की तशरीहात, अगर कोई गलत तशरीह करता है, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन उसको बताते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके अहले बैत और अहले बैत अलैहिमुर रिजवान और सहाबा इकराम ने, हजरत मुफस्सिरीन ने ये तफसीर की है, ये असल तफसीर है। तो आहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक एक पहलू वो बिल्कुल महफूज है। तो इस लिहाज से आहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करना कितना अहम है। तीसरी चौथी हेडिंग आप देख रहे हैं बोर्ड पर, मंशा इलाही की तफहीम, यानी जो अल्लाह की मंशा है, जो अल्लाह की चाहत है, उसको समझना भी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने पर और सीरत पर अमल करने में मुनहसर है। चुनाचा अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ अहकामात उतारे, उनका वादे हुक्म कुरान मजीद में उतारा, लेकिन कुछ अहकामात ऐसे थे जो कि मुजमल थे, जिनकी तफसीलात नहीं थी। जनाब अब नमाज का हुक्म तो आया, लेकिन नमाज का क़याम किस तरह करना है, रुकू कैसे करना है, सजदा कैसे करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से पता चला कि आपने किस तरह ये आमाल किए। फिर आपने उम्मत को क्या दावत दी, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम इस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। और फिर आपने कुरान मजीद की तशरीहात की, ज़कात का हुक्म हुआ कि ज़कात अदा करो, ज़कात का निसाब क्या है, ज़कात किन से लेनी है, ज़कात किन को देनी है, इसकी वजाहत, जानवरों पर कितने जानवरों पर, कितनी गाय पर, कितनी भैंस पर, कितनी ज़कात है और किस किस्म की है और किसको देनी है, इसका निसाब क्या है और किसको नहीं देनी, ये सारी की सारी वजाहतें जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने की हैं। और इसका पता सीरत ही के ज़रिए से चलेगा कि मंशा इलाही, अल्लाह की क्या चाहत है, उसको समझना भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मुनहसर है। पांचवी हेडिंग आप बोर्ड पर देख रहे हैं, तकादा ईमान व इताअत, के ईमान और इताअत का तकाजा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ज़रिए ही, आपकी सीरत के मुताले के ज़रिए ही, उस पर अमल करने के ज़रिए से ही पूरा हो सकता है, जो ईमान का तकादा है। चुनाचे कुरान मजीद में हुक्म दिया गया, या अय्युहल्लज़ीन आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलु आमालकुम, ऐ ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो और अपने आमाल को ज़ाया ना करो। अब अल्लाह की और रसूलुल्लाह की इताअत आपकी सीरत ही के ज़रिए से, सीरत के मुताले के ज़रिए से ही उसकी इताअत हो सकती है कि अल्लाह के नबी ने क्या हुक्म दिया और हमने किस तरह इसको करना है। और फरमाया गया, फला व रब्बी का ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, कि तुम उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक बाहमी झगड़ों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाकिम तस्लीम न कर लें। और इसी तरह एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमा आताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिस बात का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें हुक्म दे दें उसको ले लो, जो दे दें उसको ले लो, वमा नहाकुम अन्हु, जिससे मना कर दें उससे बाज आ जाओ। और एक जगह मोहब्बत इलाही का जरिया फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह, के जो शख्स अल्लाह से मोहब्बत करना चाहता है उसको चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाए। तो ये
पांचवी हेडिंग जो आपको नजर आ रही है, तकादा ईमान व अतात, ये उसी वक्त पूरा होता है जब आप जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करते हैं, आपकी सीरत को आप समझते हैं। और आपने फरमाया कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मैं यूं तैयार रसूल फ़कद अता अल्लाह, के जिसने अल्लाह की, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, उसने किसकी इताअत की, अल्लाह की इताअत की। तो तकाज़ा ईमान व इताअत भी सीरत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताले ही के ज़रिए से मुमकिन है। अखलाक की इस्लाह, ये छठी हेडिंग आप बोर्ड पर मुलाहजा कर रहे हैं, अखलाक की इस्लाह और दुरुस्तगी। अखलाक की इस्लाह और दुरुस्तगी भी एक सलीमुल फितरत इंसान उस वक़्त कर सकता है जब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उसके सामने हो, कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्किल हालात आए, आपने वहाँ पर क्या दर्ज अमल अख्तियार किया। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर परेशानी आई, आपने परेशानी के अंदर क्या किया। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुशी आई, आपने खुशी के अंदर क्या किया। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हालात आए, आप हुक्मरानों से मिलते किस तरह, गुरबा से मिलते किस तरह, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और आपकी ये भी पता चलेंगे, हमारे अखलाक की इस्लाह भी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताला से ही दुरुस्त होगी। और ख़ुद कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि बेशक हमने आपको अजीम किस्म के अखलाक दिए हैं, बड़े अखलाक आपको अता फरमाए हैं। और आपने एक हदीस में फरमाया इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिम अल-अखलाक व महासिन अल-आमाल, के मुझे अच्छे अखलाक की तकमील के लिए मबऊस किया गया है, कि मैं आला और उम्दा अखलाक को हद कमाल तक पहुँचा दूँ, और वह महासिन अल-आमाल और आमाल को दुरुस्त कर दूँ। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं। आप एक झलक देखें कैसे आपके अखलाक थे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वा से वापस आ रहे हैं, आप अपनी तलवार को निकाल के दरख्त पर लटका देते हैं, एक गौरस नामी शख्स आता है और उस तलवार को उतार करके नबी रहमत के ऊपर सौंत कर खड़ा हो जाता है और कहता है मैं यमनाऊ का मिन्नी, आपको इस तलवार से कौन बचाएगा, मुझसे कौन बचाएगा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैकर अखलाक फरमाते हैं अल्लाह, जब आपकी ज़ुबान अतहर से लफ्ज़ अल्लाह निकलता है, उसके हाथ से तलवार नीचे गिर जाती है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तलवार को उठाते हैं और पूछते हैं बता मैं यमनाऊ का मिन्नी, अब मेरे हाथ से तुझे कौन बताएगा। वो जो आपकी जान का दुश्मन है वो भी इस बात को समझता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के अखलाक बड़े अजीम अखलाक हैं। वो कहने लगा कि मुझे आपके वो अखलाक बचाएंगे जिनका पूरी दुनिया के अंदर चर्चा है। चुनाचे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुआफ़ कर दिया। तो अल्लाह ने आपको अखलाक अजीम, बड़े अखलाक अता फरमाए। तो अपने अंदर उम्दा और बड़े अखलाक पैदा करने के लिए भी अपने अखलाक की दुरुस्तगी का भी जो बेहतरीन ज़रिया और सोर्स है, जो अपने अखलाक को बनाने का, अखलाक की इस्लाह का ज़रिया, वो भी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताले के ज़रिए ही मुमकिन है। कानूनी तशरी हैसियत, सातवीं हेडिंग आप देख रहे हैं, कानूनी व तशरी हैसियत। सीरत का मुताला इसलिए भी ज़रूरी है और अहम है कि इसकी हैसियत कानूनी और तशरी है। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ कुरान की तफसीर और इसका मुजमल अहकाम की तशरी करते हैं, वहाँ शरीयत के साथ साथ कानून भी अता फरमाते हैं कि अल्लाह ने वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, अल्लाह ने पाकीदा चीज़ें तुम्हारे ऊपर हलाल कर दी और नापाक चीज़ें, गंदी चीज़ें तुम पर हराम कर दी। अब क्या, अब कुरान इसके बारे में खामोश था,
कुछ तो वजाहतें की और कहीं खामोशी इख्तियार की। अब आपने बताया कि क्या चीज़ जो है पाक है और क्या चीज़ नापाक है, तो ये भी कानून की तशरीह हैसियत भी अगर हम अपनी दुरुस्त करना चाहते हैं तो फिर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला ज़रूरी है। इंसानी हकूक़ की पासदारी, ये भी सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताले के ज़रिए से मुमकिन है कि इंसान के हकूक़ की पासदारी की जाए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त इस उम्मत में नबी बरपा होकर के आए, लोगों के हालात क्या थे, लोगों के हकूक़ किस तरह पामाल किए जाते थे, जो जाबिर और जालिम थे वो गुरबा पर हाकिम थे, और अहले अरब का जो मईशत थी वो आते जाते काफलों को लूटना था, ये उनकी मईशत थी। बड़े गुरबा का हक किस तरह गज़ब करते थे, बच्चियों को दरगोर करते थे, औरत को माशरे में कोई मकाम और मर्तबा हासिल नहीं था। एक बांदी लोंडी की हसीयत, अगर किसी का शोहर फौत हो जाता तो उसकी बच्चों की माँ को विरासत के अंदर इस तरह तकसीम किया जाता जिस तरह विरासत तकसीम की जाती और वो किसी के हिस्से में जाती। औरत को इंसानियत की हद से ही बाहर समझा जाता था, लेकिन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आपने हर एक को आकर के हुकूक अता फरमाए। आपने जिस तरह विरासत के अंदर मर्दों का हिस्सा था, इसी तरह औरतों का भी हिस्सा मुकर्रर किया। चुनाचे कुरान मजीद में है, लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक्रबून वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक्रबून, कि जिस तरह मर्दों के लिए उनका विरासत के अंदर एक हिस्सा है, इसी तरह औरतों के लिए भी एक हिस्सा है। एक औरत जिसको माशरे में कोई हैसियत नहीं थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को मकाम दिया और माँ की सूरत में फरमाया अल जन्नत तख्ता अखदाम लम्माहात, कि माओ के कदमों के नीचे जन्नत है। वो बच्ची जिसको अहले अरब अपनी आर समझते थे, उसको जिंदा ज़मीन के अंदर दरगोर कर दिया करते थे, आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको अल्लाह ने दो बेटियाँ दी और फिर उसने उनकी सरपरस्ती की, उनको पाला पोसा, फिर उनको अपने घरों तक पहुँचाया, फिर उनका ख्याल रखता रहा, वो उन दो बच्चियों को अपने घरों तक पहुँचाने वाला और मैं जन्नत में इस तरह हूँगा। आपने शहादत की और दरमियान वाली उंगली उठाई और आपने फरमाया कहा तई, जिस तरह के ये दो उंगलियाँ दो करीब करीब हैं। तो आपने डूबी हुई इंसानियत को निकाला। रहमो करम, आज माशरे के अंदर जो दहशतगर्दी और बदअमनी है, ये क्या है, इसकी असल वजह क्या है, कि रहमो करम का फुकदान है। लोगों के अंदर रहम का मादा नहीं है। अगर हम अपने अंदर रहमो करम पैदा करने वाले करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताले की ज़रूरत है। आपने फरमाया इरहमू मन फिल अर्ज, ज़मीन वालों पर रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, जो आसमान वाला है वो तुम पर रहम फरमाएगा। अर्राहिमून, रहम करने वाले, यरहमु अलैहिमुर रहमान, रहमान उस पर रहम करता है। और इरहमू मन फिल अर्ज, यरहमुकुम मन फिस समा, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहम व करम सिर्फ इंसानों पर ही महदूद नहीं था, सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं, आपका काफिरों पर भी रहम था। वो मक्के के मुशरिकीन, आपके दुश्मन, जिन्होंने आप नमाज पढ़ते हैं आप पर गंदगी डालते हैं, आप रास्ते से गुजरते हैं आपके रास्ते पर कांटे बिछा दिए जाते हैं, आपकी बच्चियों को तलाक दे देते हैं, वो आपके दुश्मन। जिस वक़्त आप मदीना मुनव्वरा के अंदर जाते हैं, मक्के में कहा जाता है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू सुफियान आता है और कहता है हमारे हक़ में दुआ कीजिए, हमारे ऊपर कहा साली आई हुई है। आपके वो दुश्मन थे,
आप पर, आपको इजार इसानियां, आप पर पत्थर बरसाने वाले, आपको तकलीफें देने वाले, आप पर सितम ढाने वाले आपके पास आते हैं, तो आप फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे नबी रहमत बना करके भेजा। आपने उनके लिए दुआ भी फरमाई, और सिर्फ दुआ नहीं बल्कि उनके लिए मदीने से उनके लिए आपने गल्ला भी जमा किया और उनको दिया और कहा ये ले जाओ। ये आपकी काफिरों पर भी रहमत है और ग़ुलामों पर रहमत। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामों पर भी रहमत। एक सहाबी आए और कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं अपने ग़ुलाम को कितनी दफ़ा माफ़ करूँ। आपने फरमाया दिन में कम अज़ कम उसकी 70 गलतियाँ माफ़ कर दिया कर। कैसी ग़ुलामों पर रहमत है। आपने फरमाया ग़ुलामों को वो खिलाओ जो खुद खाते हो, ग़ुलामों को वो पहनाओ जो खुद पहनते हो, उनके साथ अच्छा सलूक करो। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल का वक्त है। कैसा हमदर्द नबी है। आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अथर से जो अल्फाज निकल रहे हैं उनको गौर करें। आप क्या फरमा रहे हैं, अस्सला नमाज की हिफाजत करना, वमा मलकत ऐमानुकुम, और ग़ुलामों से अच्छा सलूक करना। तो ये ग़ुलामों से अच्छा सलूक भी हुजूर की सीरत के ज़रिए से मुमकिन है। सीरत और आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ग़ुलामों के साथ क्या सलूक किया। आपके ख़ादिम थे हज़रत अनस, हज़रत आयशा कभी शिकायत करती तो आप फरमाते हैं छोड़ो अनस अभी बच्चा है। 10 साल तक हज़रत अनस खुद रावी हैं हदीस के, कहते हैं मैंने खुद हुजूर अलैहिस्सलाम की 10 साल खिदमत की, आपका खादिम रहा, कभी एक मरतबा भी मुझे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बात पर नहीं डांटा। ये आपकी शफकत है ग़ुलामों के साथ। ज़ैद बिन हारिसा जो आपके ग़ुलाम थे, उसकी चचा और उसकी माँ आई कहने लगी तुम ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हो, तुम अपने घर आओ और आज़ादी की ज़िंदगी गुजारो। ज़ैद बिन हारिसा कहने लगे अपने चचा और माँ से कि तुम क्या बातें कर रहे हो, मैं तो ऐसी शख्सियत और ऐसी ज़ात का ग़ुलाम हूँ जिस पर हज़ारों आज़ादियाँ क़ुरबान की जा सकती। और वो कौन सी ज़ात है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। आदरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल यतीमों के माल को गसब कर दिया जाता था। आपने आकर यतीमों को भी हुकूक अता फरमाए और आदरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा सलूक करना तो बड़ी बात है, उनके साथ बेहतरीन सलूक करना तो बड़ा ऊँचा अमल है। फरमाया आना व काफिरू यतीम कहा तीन, आपने उंगलियां उठाई और फिर उंगलियों से इशारा किया और आपने फरमाया कि मैं और यतीम की किफालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे करीब करीब। खिदमत तो दूर की बात, आपने फरमाया कि जो शख्स यतीम बच्चे के सर पे हाथ रखता है और उसके हाथ के नीचे जितने बाल आते हैं अल्लाह उसको इतनी नेकियाँ अता फरमा देते हैं। आपने यतीमों को भी आके हक अता फरमाया और यतीमों की भी आपने सरपरस्ती की। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रहमत, क्या रहमत है। अल्लाह ताला एक जगह खुद आप उम्मत के लिए इतने गमगीन, एक रवायत में आता आप एक काफिर के पास 100 मरतबा चले जाते इस्लाम की दावत देने के लिए। एक दिन में एक आदमी के पास 100 दफ़ा चले जाते हैं जिसके ज़िम्मे पूरी उम्मत का बोझ है। एक आदमी के पास दिन में 100 मरतबा जा रहे हैं अल्लाह तबार, फिर आप गमगीन हो जाते। हज़रत आयशा फरमाती हैं आपके सीने से इस किस्म की आवाज़ आती कसौतिल मिर्जल, जैसे कि हंडिया के उबलने की आवाज़ आती है, इस किस्म की आवाज़ आती थी। और फरमाया कुरान मजीद में लकद जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहिमा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिलमुअमिनीन रऊफुर रहीम, के तुम्हारे पास एक ऐसा रसूल आया है, अल्लाह ने आपकी रहमत और शफकत को बयान किया कि तुम्हारे अंदर से तुम्हारा तकलीफ़ में पड़ जाना उस पर बड़ा गिरा गुजरता है, तुम्हारे ईमान पर तुम्हारी खैरखाही पर बड़ा हरीस है। हुजूर की मिसाल ऐसे है जैसे कोई गड़े आग के गड़े के अंदर गिर रहा हो और आप पकड़ पकड़ के उसको बाहर निकाल रहे हों। आप इतना रातों को उठ उठ कर दुआएँ करनी, रोना उम्मत के गम में, ये जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी।
इतना गमगीन रहते अपनी उम्मत के गम में कि अल्लाह ताला को खुद रहम आ जाता और फरमाते अल्लाह तबारक व ताला लअल्लका बाख़िउन, ऐ पैगंबर क्या अपने आप को आप मुश्किल में हलाकत में डाल रहे हैं उम्मत के गम में कि वो ईमान ले आए। हिदायत तो हमने देनी है, आपका काम पूरा है। और यही वजह है जिस वक़्त जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा के मौके पर ऐलान किया था कि लोगों क्या मैंने तुम तक दीन पहुंचाया, तो तमाम सहाबा ने जितने लोग सामेईन थे सब ने कहा अल्लाह के रसूल आपने सिर्फ पहुंचाया नहीं, पहुंचाने का हक अदा कर दिया है, आपने तो पहुंचाने का हक अदा कर दिया है। ये उम्मत पर रहमत, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जानवरों पर भी, जानवरों के लिए भी आप नबी ये रहमत हैं, जानवरों पर भी आपकी रहमत है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें ईद के मौके पर क्या हुक्म दिया कि छुरी तेज़ की जाए ताकि जानवर को तकलीफ़ ना हो, ज़िबा भी करना है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक खुराक और जितना वो बोझ लाद सकें उनको उन पर उतना बोझ लादने का हुक्म दिया गया। एक जगह आप जा रहे थे, हज़रत सल्लम ने देखा कि एक परिंदा वो बेताब है, आपने पूछा कि किसने इसके बच्चों को बेताब, इसके बच्चों की वजह से बेताब किया है। सहाबी ने बताया कि ये बच्चे मेरे पास हैं, आपने फरमाया इनको रख दो, इसको तकलीफ़ ना दो। जानवरों के लिए भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहीम है। शायर ने कहा ना, लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं तो कहता हूँ जहाँ भर पे है साया तेरा। यानी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत सिर्फ इंसानों पर नहीं, आपकी रहमत जानवरों पर भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा खड़े थे, एक ऊँट आया दौड़ता हुआ और उसने अपना सर आपके कदमों में रख दिया। आपने उसके मालिक को बुलाया और उससे कहा कि ये तुम्हारी शिकायत कर रहा है, ये जितना बोझ उठा सकता है इसकी कमर पर उतना बोझ ला दो और जितनी खुराक खाता है इसकी खुराक उसको पूरी अदा करो, पूरी दो, ये जानवर पर आपकी रहमत है। आखिरी हेडिंग आप देख रहे हैं, अजीम उशान कामयाबियों का हुसूल। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल दौरे नबुवत के अंदर वो कामयाबियां समेटी हैं जो इतने थोड़े से अरसे के अंदर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल के अरसे के अंदर जो आपने कामयाबी हासिल की है, इतनी बड़ी कामयाबी किसी ने हासिल नहीं की। आपने इस थोड़े से अरसे के अंदर उन लोगों पे, जिन लोगों को कोई इंसान तसव्वुर क्या, जिन पर कोई हुक्मरान बनना पसंद नहीं करता था, जिनको किसी बात की तमीज़ न थी, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन जिनकी कोई रहनुमाई नहीं कर सकता था, आपने उनको रहनुमा बना दिया। वो लोग जो इतनी सी बात पर कि तूने अपने जानवर को पानी क्यों पहले पिलाया अपनी बारी से पहले, वो लोग आपकी मेहनत के बाद एक दूसरे को, एक दूसरे की प्यास का, भूख का इतना ख्याल रखते हैं कि अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं और अपने भाइयों को तरजीह दे रहे हैं। ये वो लोग थे जो ज़रा ज़रा सी बात पर साथ साथ पुश्तें कत्ले आम का शिकार हो जाती और आगे बच्चों को पता भी नहीं चलता कि हम किस बात से लड़ रहे हैं, किस बात से झगड़ रहे हैं। एक दूसरे के लिए जान देने वाले बने, अपनी ज़रूरतों को दूसरों की ज़रूरतों पर तरजीह देने लगे। सहाबा इकराम को उनको सर्टिफिकेट मिला और अल्लाह ने उनकी फिर गवाही दी, वयूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। आपने वो जमात तैयार की है कि ये वो लोग हैं जो किसी चीज़ के खुद भी ज़्यादा ज़रूरतमंद हों इस पर भी दूसरों को तरजीह देते हैं। तो ये जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत का काम ऐसे आम किया और लोगों के दिलों पर ऐसे मेहनत की कि पूरी दुनिया की काया पलट करके रख दी इस 23 साल के अरसे में, अजीम शान कामयाबियाँ। तो आपको बेटे जो आज मैं पढ़ा ये रहा था कि सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताले की ज़रूरत और अहमियत क्या है, ये दर्ज ज़ैल नकात जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ये सारे नुकात को आप मद्देनज़र रखें।
तो आपको पता चलेगा कि सीरत नबी का मुताला क्यों ज़रूरत, क्यों इसकी ज़रूरत है और क्यों इसकी अहमियत है। ये आपने बेटे याद भी करना है और लिख भी लेना, अगर कोई बात समझना है तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।